हेलो, जेडके टेको इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अटेंडेंस मॉड्यूल और रिपोर्ट्स के बारे में। ओके, तो कैसे यहाँ पर अटेंडेंस मॉड्यूल में हम टाइम टेबल क्रिएट करते हैं, शिफ्ट कैसे असाइन करते हैं और रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करते हैं। कि तो पिछले वाले वीडियो पे आपने देखे होंगे, मैंने आपको बताया हूँ एम्प्लॉयज कैसे ऐड करते हैं और डिवाइस कनेक्ट कैसे करते हैं और डाटा सिंक कैसे करते हैं। अगर आप चाहो तो वो वीडियो आप रेफर कर सकते हैं। हम जाएंगे अटेंडेंस मॉड्यूल में। अटेंडेंस मॉड्यूल में पांच सब मॉड्यूल्स आते हैं, टाइम टेबल, शिफ्ट, शेड्यूल, एक्सेप्शन, असाइन, रूल्स। सो टाइम टेबल क्रिएट करने से पहले हम जाके रूल सेटिंग्स कर लेते हैं। सो यहाँ पर रूल सेटिंग्स में आपको ओटी एंड वीकेंड सेटिंग्स, ओवर टाइम एंड वीकेंड सेटिंग्स मिलेगा। सो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं आपके हिसाब से कब आपका वीक ऑफ है, सैटरडे संडे या फिर ओनली संडे, यहाँ पर आप सेटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर ओवर टाइम सेटिंग्स है, अगर आपका मंडे टू लेके फ्राइडे सैटरडे तक वर्किंग है और 9 आवर्स वर्किंग टाइम है, अगर 9 आवर्स से ज़्यादा अगर कोई आपका एम्प्लॉय काम करता है उनको ओटी मिलना चाहिए। ये सेटिंग्स आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ओके, या अगर आपका 9 आवर या 8 आवर है, यहाँ पर 8 आवर एंटर करके सेव कर लीजिए। 8 आवर के बाद ओटी कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, सो वीकेंड वर्कर्स, और वीकेंड में अगर कोई आगे काम करता है उसको क्या रखना है, ओवर टाइम रखना है या फिर नॉर्मल वर्क, ये सेटिंग्स भी आप यहाँ से कर सकते हैं, फिर सेव कीजिएगा। फिर आते हैं हॉलीडे में। हॉलीडे में यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं हॉलीडेज। सपोज आपके ऑफिस में कुछ फेस्टिवल हॉलीडे है, अगर आप वहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आके स्टार्ट डेट, सपोज मैं अगस्त 29 डेट सिलेक्ट किया, कितना दिन के लिए, 2 दिन के लिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिक्स डेट या फिर साइकिल बाय ईयर या साइकिल बाय डेट, तो मैं फिक्स डेट सिलेक्ट करता हूँ, फिर सेव। ओके, सो यहाँ पर मैं हॉलीडे नेम देता हूँ लोकल हॉलीडे, सेव। यहाँ पर देखिए 29 और 30 दो लोकल हॉलीडे शो कर रहा है। ओके, सो ऐसे आप हॉलीडे सेटिंग्स कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग्स, एडवांस सेटिंग्स में यहाँ पर आपको आता है टाइम इंटरवल बिटवीन टू रिकॉर्ड्स, 1 से लेकर 30 मिनट के भी टाइम, मिनट्स के टाइमिंग आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि दो रिकॉर्ड के बीच में कितना मिनट का इंटरवल होना चाहिए, ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अभी बाई डिफॉल्ट 5 है, अगर आप चाहो तो 10 मिनट्स भी रख सकते हैं, नो इशू। फिर नो चेक इन काउंटर्स, कोई अगर चेक इन नहीं करता है तो उसको क्या काउंट करेंगे, लेट अराइवल या फिर एबसेंट या फिर प्रेजेंट, ये सेटिंग्स भी कर सकते हैं। नो चेकआउट काउंटर्स, उसको आप क्या रखना चाहेंगे, ईयरली आउट रखना चाहेंगे या एबसेंट या प्रेजेंट, ये सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं। लेट एक्सीड, अगर कोई जा लेट होता है 1 मिनट या 2 मिनट, काउंटर्स एबसेंट, ये सेटिंग्स भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ईयरली लीव, कोई अगर जल्दी जाता है उसको एबसेंट करना है, कितने मिनट में अगर जल्दी जाए तो ऑप्शन रहेगा, वो सेटिंग्स भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, एक्टिव ऑटोमेटिक शेड्यूल्स, ये भी सेटिंग्स अवेलेबल है। एक्टिव अटेंडेंस सेटिंग्स, एक्टिव राउंड सेटिंग्स, एक्टिव उसके बाद टाइम टेबल, राउंडिंग सेटिंग्स, ये सेटिंग्स भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर अगर आप सिलेक्ट करते हो एक्टिव ऑटोमेटिक शेड्यूल, तो कब कितने मिनट पर डे ऑटोमेटिकली शेड्यूल होगा, ये सेटिंग्स भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर मार्क वीकली ऑफ एंड हॉलीडे एज एबसेंट इफ प्रीफिक्स डे इज एबसेंट, अगर पिछले आपका हॉलीडे जो हॉलीडे है उसके 1 दिन पहले अगर कोई एबसेंट है, अगर उसका हॉलीडे को भी एबसेंट रखना है तो ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी के हिसाब से मार्क वीकली ऑफ एंड हॉलीडे एज एबसेंट इज सफिक डे इज एबसेंट, अगर हॉलीडे के नेक्स्ट डे भी वो ऑप्शन रहता है, अगर हॉलीडे को ऑप्शन रखना है तो ये यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद वो सेटिंग्स एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, मार्क वीकली ऑफ एंड हॉलीडे एज एबसेंट इफ बोथ प्रीफिक्स एंड सफिक्स डे इज एबसेंट, अगर हॉलीडे के पिछले वाला दिन और आगे वाला आगे दिन नेक्स्ट डे बंदा ऑप्शन रहता है तो वीक ऑफ या हॉलीडे को ऑप्शन रखना है कि नहीं, ये सेटिंग्स भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पर है हाफ डे काउंट, यहाँ पर आप हाफ डे काउंट सेटिंग्स रख सकते हैं और शॉर्ट डे काउंट यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। इसको करने के बाद सेव कीजिए। जो भी चेंजेस आप किए हैं
वो सेव हो जाएंगे। ओके, अभी हम रूल सेटिंग्स करने के बाद अभी हम जाएंगे टाइम टेबल्स में। यहाँ पर टाइम टेबल्स में आपको टाइम टेबल टाइप दो होगा, एक रेगुलर और एक फिक्सेबल। फिक्सेबल टाइम टेबल का मतलब ये है, अगर आपका एम्प्लॉयज़ का कुछ फिक्स टाइमिंग नहीं है वर्किंग टाइमिंग, जैसे कि अगर आपको एम्प्लॉयज़ को सिर्फ 24 आवर में कंप्लीट करना है 8 आवर्स, तो ये फिक्सेबल टाइम टेबल में आप एंटर कर सकते हैं। सपोज आप अलाउ करते हैं आपको एम्प्लॉय को 480 मिनट्स वर्किंग आवर होना चाहिए, तो यहाँ पर 480 मिनट्स डालिए। ओके, यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं टाइम टेबल का, डे चेंजेस आट यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं 1 या 2। ओके, अगर डेली वर्किंग टाइम 480 मिनट से अगर उससे ज़्यादा होता है 1 या 2 मिनट, या आप OT आप रख सकते हैं, ये सेटिंग्स भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, और ये रेगुलर टाइम टेबल, यहाँ पर आप फिक्स टाइम टेबल क्रिएट कर सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए। ओके, तो यहाँ पर मैं एक नया टाइम टेबल क्रिएट करके दिखा देता हूँ, ये बाई डिफॉल्ट टाइम टेबल है। ओके, सो नया टाइम टेबल क्रिएट करने के लिए आर्ड में क्लिक कीजिए, आर में क्लिक करने के बाद टेबल टाइम टेबल नेम दीजिए। ओके, सो मैं अभी चेक इन स्टार्ट एट 9:30 कर लेता हूँ, चेकआउट एट 6:30। ओके, कलर में कर लेता हूँ ऑरेंज। तो यहाँ पर चेक इन स्टार्ट आट 7:30, चेक इन एंड आट 10:30। सो यहाँ पर चेक इन टाइमिंग 9:30 है, तो उस इसी के बीच में आप चेक इन कर सकते हैं ये टाइमिंग के बीच में, और चेकआउट में भी सेम है, अगर 6:30 है तो इसी टाइमिंग के अंदर आप चेक इन सॉरी चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर कैलकुलेटर्स, तो ये जो टाइमिंग हमने दी है उसके बीच में 540 मिनट्स है, और यहाँ पर लेट अराइवल आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने मिनट के बाद ये लेट अराइवल काउंट करेगा, और एयरली आउट कितने मिनट के अंदर जाने के बाद ये एयरली आउट शो करेगा रिपोर्ट में, ये सेटिंग भी आप कर सकते हैं, और ये ऑप्शन भी आप इनेबल कर सकते हैं, फर्स्ट पंच इन लास्ट पंच आउट फंक्शन। ओके, अगर आपको ब्रेक ऐड करना है आपके टाइम टेबल में, तो आप यहाँ पर देखिए ब्रेक ऑप्शन अवेलेबल है, मैनेज में जाइए, ब्रेक टाइमिंग मैं एक देता हूँ लंच, स्टार्ट टाइमिंग 12 से लेके 1 बजे तक, अहेड टू 12 से 12 बजे के बाद अगर कुछ लेट होता है, मतलब अगर आगे जाता है तो कितना होना चाहिए, 13 कर लेता हूँ, या फिर आप 12:30 रख सकते हैं, अगर हो सकता है मतलब गैप है उसके बीच में स्टार्ट टाइमिंग के बीच में, और डिले कितने डिले आप कर सकते हैं टाइम ब्रेक टाइमिंग में, जैसे कि 13, या फिर अगर आप बोलते हो 1 मिनट डिले होना है तो यहाँ पर 1 मिनट सेट कर सकते हैं। ओके, और ये ब्रेक टाइमिंग ऑटो डिटेक्ट होना है या फिर चेक इन चेकआउट मस्ट है, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। सो ईयरली रिटर्न, अगर कोई ईयरली आता है तो उसको वर्क टाइम रखना है या ओटी रखना है, यह सेटिंग कर सकते हैं। ब्रेक एक्सीड अगर टाइम से ज़्यादा अगर कोई लेता है उसको लेट अराइवल, ईयरली आउट या फिर एबसेंट, ये सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर सेव करने के बाद यहाँ पर देखिए लंच ब्रेक एक सेव हो चुका है, फिर यहाँ पर शो करेगा। ओके, फिर इसको ये जो टाइम टेबल है हम इसको सेव कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए टेस्ट 1 एक टाइम टेबल सेव हो चुका है। फिर शिफ्ट में जाएंगे, शिफ्ट में आने के बाद यहाँ पर हम एक शिफ्ट असाइन करेंगे, न्यू शिफ्ट ऐड करेंगे यहाँ पर, ये बाई डिफॉल्ट वाला है, सो ऐड में क्लिक कीजिए, शिफ्ट नेम दीजिए टेस्ट शिफ्ट। सो यहाँ पर देखिए टेस्ट टाइम टेबल जो क्रिएट किए थे यहाँ पर अवेलेबल है, सो यहाँ पर हम असाइन करेंगे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे। मैं संडे नहीं दिया, अगर आप यहाँ पर संडे असाइन नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली वीक ऑफ काउंट कर लेगा। ओके, सो यहाँ पर स्टार्ट डेट आपको एंटर करना है, साइकिल बाय वीकली या डे, सो मैं वीकली रखता हूँ, वैल्यू 1, अब चाहो तो 0 रखेंगे तो सर रख सकते हैं, लेकिन 1 रख लेता हूँ मैं। ओके, फिर सेव, सेव करने के बाद देखिए यहाँ पर एक टेस्ट शिफ्ट असाइन हो चुका है, और ये शिफ्ट असाइन करने के लिए एम्प्लॉय को यहाँ पर देखिए असाइन में क्लिक कीजिए, सिलेक्ट यहाँ पर स्टार्ट डेट, ओके स्टार्ट डेट सिलेक्ट कर लीजिए 1, फिर एंड डेट 2
2 साल तक बढ़ा लेता हूँ सिलेक्ट करने के बाद सेव। सो यहाँ पर जो भी असाइन हो चुका है आपका शिफ्ट एम्प्लॉइज को, ओके आएंगे शेड्यूल में। यहाँ शेड्यूल में आप चेक कर सकते हैं एम्प्लॉइज का जो टाइम टेबल और शिफ्ट असाइन किए गए हैं उसके कैलेंडर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं वर्किंग डे कब कब है और वीक ऑफ कब कब है, ओके। तो यहाँ पर हम जैसे कि एक एम्प्लॉइज लेते हैं BHA, सो अभी उसका कैलेंडर में चेक कीजिए तो उसका वर्किंग डे कब है यहाँ पर शो कर रहा था ऑरेंज में जो है वो वर्किंग डे है और ऑफ जो लिखा रहा है वो ऑफ है। तो वेडनेसडे हमने शिफ्ट में असाइन किए थे वीक ऑफ है तो इसलिए यहाँ पर कैलेंडर में भी वीक ऑफ शो कर रहा है। और वहाँ पर जब हॉलीडे ऐड किए थे 29 और 30 को हम लोकल हॉलीडे असाइन किए थे तो यहाँ पर लोकल हॉलीडे देखिए शो कर रहा है लोकल हॉलीडे, ओके। अभी यहाँ पर मैं टेम्परेरी शेड्यूल में यहाँ पर एक पे कोड है और एक टाइम टेबल है सो ये मैं बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। अगर यहाँ पर पे कोड सिलेक्ट करते हैं पे कोड ऑप्शन OT या ट्रैवल या वर्क करते हैं, मैं सपोज अभी ट्रैवल करता हूँ। टाइम टेबल आप कोई भी टाइम टेबल असाइन कर सकते हैं। अगर कोई ऑफ में है तो यहाँ पर ऑफ सिलेक्ट कीजिए। ऑफ सिलेक्ट करने के बाद कौन से डे में वो ऑफ थे या फिर ऑफ लेना है तो वो डेट सिलेक्ट कीजिए। सपोज मैं अभी 28 सिलेक्ट कर रहा हूँ, असाइन कीजिए। सो अभी देखिए इसी डेट पे उस वहाँ पर ऑफ शो कर रहा है, ओके। सो अगर आप चाहो तो यहाँ ऑफ के बदले कोई डिफॉल्ट टाइम टेबल असाइन करना चाहते हो तो वैसे आप असाइन कर सकते हैं, ओके। अभी हम आते हैं यूज टाइम टेबल फॉर ऑटो शेड्यूल। यूज टाइम टेबल फॉर ऑटो शेड्यूल में आप चेक कर सकते हैं कौन सा टाइम टेबल सब क्रिएट किए गए हैं और उसका टाइमिंग, चेक इन टाइमिंग, चेकआउट टाइमिंग, ये सब आप चेक कर सकते हैं, ओके। उसके बाद हम आएंगे एक्सेप्शन असाइन। एक्सेप्शन असाइन में आप यहाँ पर पे कोड देख रहे हैं, यहाँ पर आप कोई भी लीव सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि सिक लीव या वैकेशन या पर्सनल लीव या एनुअल लीव या बिजनेस लीव या ट्रैवल। सो मैं अभी एक वैकेशन लीव ट्रैवल सिलेक्ट करता हूँ, टाइमिंग सिलेक्ट करता हूँ 9:30 से लेके 6:30 जो कि ऑफिस टाइमिंग रहता है, ओके। कौन से डे में लीव एप्लीकेबल होगा वो डेट सिलेक्ट कीजिए। सपोज मैं 22 कर लेता हूँ, ओके। फिर यहाँ पर असाइन में क्लिक करने के बाद उसी एम्प्लॉय पर्टिकुलरली जो टेस्ट एम्प्लॉय है उसको ये वैकेशन लीव असाइन हो जाएगा, ओके। सो अभी अटेंडेंस मॉड्यूल ख़त्म होने के बाद हम लोग आएंगे रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स में यहाँ पर 3 सब मॉड्यूल्स हैं, रिकॉर्ड्स, कैलकुलेट और रिपोर्ट्स। सो रिकॉर्ड्स में यहाँ पर फ्रॉम टू एंडेड सिलेक्ट करना है, फिर सर्च करने के बाद आपको जितने भी ट्रांजेक्शन और रिकॉर्ड्स है वो आपको शो करेंगे। सो अब फर्स्ट हम एम्प्लॉय सिलेक्ट कर लेते हैं, ऑल एम्प्लॉय सिलेक्ट, डिपार्टमेंट जितने एम्प्लॉय हैं। फिर स्टार्ट डेट अगस्त 1 से लेके आज तक, फिर सर्च कीजिए तो जितने भी रिकॉर्ड्स है वो आपको यहाँ पर शो करने लगेंगे। अगर आपको रिकॉर्ड्स इंपोर्ट भी करना है तो यहाँ पर आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ओके। अगर ये रिकॉर्ड्स आपको एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं MS एक्सेल फॉर्मेट में या टेक्स्ट फाइल में या फिर CSV फाइल में या PDF फाइल में, ओके। उसके बाद हम आएंगे कैलकुलेट। रिपोर्ट जनरेट करने से पहले हमको फर्स्ट कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट एम्प्लॉय को सिलेक्ट कीजिए, फिर से डेट सिलेक्ट कीजिए कब का रिकॉर्ड्स आपको कैलकुलेट करना है। डेट सिलेक्ट करने के बाद कैलकुलेट क्लिक कीजिए या फिर व्यू रिजल्ट क्लिक कीजिए, ओके। कैलकुलेट करने के बाद फिर यहाँ पर आपको सब रिकॉर्ड्स यहाँ पर कैलकुलेट होकर शो करेंगे। शो करने के बाद आप अगर चाहो तो मॉडिफाई करने के लिए आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सपोज एक एम्प्लॉय को चेक इन चेकआउट करना भूल गया हो तो यहाँ पर एम्प्लॉय सिलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ पर डेट सिलेक्ट कीजिए कौन सा डेट में चेकआउट भूल गया है, फिर टाइम, फिर चेकआउट, फिर वर्क कोड यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, फिर सेव कीजिए। सेव होने के बाद वो टाइम टेबल वहाँ पर चेकआउट उसी एम्प्लॉय को असाइन हो जाएगा, ओके। अगर आप चाह रहे हो एक्सपोर्ट करने के लिए ये कैलकुलेशन रिकॉर्ड, सो यहाँ से आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ओके।
रिपोर्ट कैलकुलेट करने के बाद हम फिर आएंगे रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स में हमारे यहाँ पर 22 टाइप्स के रिपोर्ट्स हैं अवेलेबल जेड के टाइम लर्नर 3.0 में। तो हम रिपोर्ट्स निकालने से पहले हमको फर्स्ट डेट सिलेक्ट करना है यहाँ पर। डेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप ऑल एम्प्लॉय या फिर कस्टम कर सकते हैं। कस्टम में आप पर्टिकुलर एम्प्लॉय सिलेक्ट करना है, मैं यहाँ पर ऑल सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर ट्रांजैक्शन में क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट दिखाएगा। एक एम्प्लॉय पर डे में कितने ट्रांजेक्शन किए हैं डिवाइस में, वो रिपोर्ट आपको यहाँ पर शो करेगा। अगर ये फाइल को आप डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देखिए फाइल्स में आइए, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट। सो यहाँ पर बहुत प्रकार के फाइल्स फॉर्मेट हैं, वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद और एक है डेली रिपोर्ट। सो डेली रिपोर्ट में भी आपको शो कर लेगा कितने बजे चेक इन, कितने बजे चेकआउट। अगर इसी फाइल को भी अगर डाउनलोड करना है तो सेम प्रोसेस है, यहाँ से फाइल एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट कोई फॉर्मेट से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो हमारा रिपोर्ट्स लास्ट मॉड्यूल था जेड के टाइम लर्नर 3.0 सॉफ्टवेयर पे। ओके, सो आज का वीडियो मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। जेड के टाइम डॉट नेट 3.0 सॉफ्टवेयर के सारे मॉड्यूल्स के बारे में मैं बता चुका हूँ, और फिर भी अगर आपको कुछ जानकारी जानना हो तो आप हमारे ये टेक्निकल सपोर्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ओके, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जेड के टेको इंडिया को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।